अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना होमवर्क भी कर रहे हैं साथ साथ, बिकॉज होमवर्क कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होमवर्क कमिटमेंट से करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और गिफ्ट्स भी। सो, अब हम देखते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट। सो हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी एलसीएम की, एलसीएम फाइंड आउट करने की किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड और मल्टीपल्स मेथड से। ऑलरेडी हम लोग एचसीएफ पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसके हमने दो मेथड देखे थे। एक देखा था हमने फैक्टर्स फाइंड करने वाला मेथड और एक था प्राइम फैक्टर फाइंड करने वाला मेथड। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं पेज 56 पे डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सो थ्री मेथड हो गए, इट्स अ थर्ड मेथड, डिवीजन मेथड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द लार्ज नंबर इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन इज मोर यूजफुल फॉर लार्ज नंबर्स। यू सी, बड़े नंबर जब हम फाइंड आउट करेंगे उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड आ गया है, जो कि है डिवीजन मेथड। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। वी यूज द रिपीटेड डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स टू फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बाई यूजिंग द डिवीजन मेथड। सो लेट्स सी द स्टेप्स हेयर। Divide the large number by the smaller one. Then the remainder is treated as a divisor and the divisor as a dividend. Divide the first divisor by the first remainder. Divide the second divisor by the second remainder. Continue this process until the remainder becomes zero. The divisor which doesn't leave a remainder is the HCF or GCD. GCD kya hai? Greatest common divisor. So divisor or highest common factor ek hi baat hai. Okay? Kyunki jo number divide ho jata hai, obviously wo uska divisor hi hota hai. Ya jo divisor divide ho jata hai number pe proper, wo andar wale number ka factor ho jata hai. Alright, so the last divisor is a required highest common factor of the number. Let us consider some of the example to find the highest common factor by using the division method. So hamare paas yahan pe beautifully arrange kiya gaya hai division method ko. Aap dekh sakte ho colors ke sath inko differentiate bhi kiya gaya hai. So main aapko explain karungi kis tarike se ye differentiate hua hai. आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर उन्होंने टू नंबर्स दिए हैं, जो कि हैं 18 एंड 30. सो ऑब्वियसली जो बार के अंदर नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बार के बाहर होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो बाहर होता है उसको हमने डिवाइड करना होता है, उसके साथ हमने डिवाइड करना होता है, तो वो छोटा ही होना चाहिए. अब हम देखते हैं जी 18 और 30 है, 18 छोटा है, लेकिन 18 टू 30 से बड़ा नंबर आता है, जो कि आता है 36. हम क्या करेंगे, 1 पे डिवाइड कर देंगे. 18 को 1 पे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और माइनस करके क्या आएगा, 12 आ जाएगा. 12 आ गया है, अब हम क्या करें, अब हम क्वेश्चन रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने हमें इंस्ट्रक्शन में क्या बताया है कि 0 तक आपने इसको सॉल्व करना है. अब 12 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, उसके साथ ही हम एक बार लगा देते हैं जहां पर हम लिख देते हैं 18. ठीक है, सो 18 आ गया अंदर, अब हम 12 को वापस 1 पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा. फिर हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 6 आ जाएगा. अब 12 अंदर आ जाएगा, 6 और 12 जब डिवाइड होंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 6 टू 12 होता है और आंसर आ जाएगा 0. जब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स दिस होल प्रोसेस इज राइट एंड एचसीएफ बाय डिविजन मेथड इज कंप्लीटली सॉल्व्ड. बट द क्वेश्चन कम टू आर माइंड कि इसमें हम फैक्टर कौन सा लेंगे, जो कि हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चाहिए वो कौन सा होगा, वो होगा लास्ट डिवाइजर ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. अब आप देख सकते हो इसमें हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. सो आप ये कह सकते हो कि 18 और
18 और 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 6 है. ऑल राइट, सो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 30. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है? यस, नेक्स्ट पेज में हमारे पास अगेन यही स्टेप्स बताए गए हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं. उसके बाद आ जाता है जी एलसीएम. एलसीएम को भी हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इसका डिवीजन मेथड डिवाइड वाला नहीं है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट्स सी द स्टेप्स हियर. राइट द गिवन नंबर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटिंग देम बाय कॉमास. Divide them by a suitable prime number which exactly divide at least two or more given number. We put the quotient directly under the number in the next row. If the number is not divided exactly, we bring it down in the next row. We continue the process of step 2 and 3 until all co-prime are left in the last row. We multiply all the prime numbers by which we have divided and the co-prime number left in the last row. This product is the least common multiple of the given number. So let's see the number here. Hamare paas yahan par 20 and 30 do numbers hain. Ab hum prime factorization mein kya karte the? 20 को भी अलग से LCM फाइंड आउट कर रहे थे, 30 का भी अलग से फाइंड आउट कर रहे थे. डिवीजन मेथड में हम क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमने इन दोनों नंबर्स को एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख दिया है. देख रहे हो, एक ही लाइन के ऊपर दोनों नंबर लिखे हुए हैं. इन दोनों को हमने एक साथ डिवाइड करना है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो आपने अपना रूल नहीं खराब करना, उसको नहीं इग्नोर करना, जो कि है कि आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर फैक्टर लेना है. ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर फैक्टर है जी 2. अगर एक भी नंबर जो है वो छोटा होता डिवाइड होता है किसी फैक्टर के ऊपर, हम वो एक नंबर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं. ऑल राइट, दूसरे को हम एज इट इज लिखते जाएंगे और एक नंबर जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देंगे. सो लेट्स सी द एग्जांपल हियर, जो कि हमारे पास यूं है. 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 20 को भी और 30 को भी. 10 और 15 आ गया. अब आप देखें 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 15 2 के टेबल में आता है? नहीं आता ना. लेकिन हम फिर भी 2 पे ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक 2 पे हम एक नंबर भी डिवाइड कर सकते हैं हम करते रहेंगे. ऑल राइट, सो हमने 10 को जब 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 15 हमारे पास एज इट इज नीचे आ गया. अब हमारे पास दो नंबर आ गए, 5 एंड 15. So, अब हम 5 और 15 को 5 पर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2 के बाद वाला छोटा फैक्टर लें तो आप 3 से भी कर सकते हैं. 5 को एज इट इज लिख दें और 3 से कर लें. लेकिन आप 5 से करना चाहते हैं 5 से कर लें. 5 से हमने डिवाइड किया 3 आ गया और 1 आ गया. फिर हमने 3 से दोबारा से 3 को डिवाइड किया. जब तक नीचे हमारे पास 1 1 नहीं आ जाएंगे ना, तब तक हमारा ये मेथड चलता रहेगा. सो दिस इज वेरी इजी आई गेस. अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है 50 एंड 75. 50 और 75 आपको रूल्स याद है, डिविजिबिलिटी रूल. यस, डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि जो 5 पर डिवाइड होने वाले नंबर हैं उनके एंड पे 0 और 5 जरूर आना चाहिए. जो 2 पे डिवाइड होने वाले हैं उनके एंड पे 0 आना चाहिए या इवन होना चाहिए. सो 50 है यहाँ पे और 75 है. 50 जो है वो हमारा 2 पे डिवाइड होगा बिकॉज उसके एंड पे 0 है. 75 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके एंड पे 5 है. सो दोनों ऑपोजिट नंबर पे डिवाइड होंगे. लेकिन हम सबसे पहले 5 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं. तो हमने 5 पे कर लिया यहाँ पे एग्जाम्पल में. वैसे आप छोटे फैक्टर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. अच्छा जी, 10 आ गया, 15 आ गया, उसके बाद दोबारा से 5 पे कर दिया तो आ गया 2 एंड 3. उसके बाद आ जाता है जी 2 को हमने
खत्म करना है, अब हम इसको 2 पे भी डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 ही खत्म होगा, फिर 3 लिख दिया, हमारे पास आ गए हैं जी 4 फैक्टर। अब देखें एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको हम पहले कॉमन लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड में हमने अपने साइड वाले तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इनके अंदर कॉमन की गुंजाइश नहीं होती, कॉमन हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं। कैसे ले चुके होते हैं? ऑब्वियसली जब एक नंबर एक स्पेसिफिक फैक्टर के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब दो नंबर हैं यहाँ पर और दोनों ही नंबर एक फैक्टर पर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये फैक्टर उन दोनों में कॉमन है। लेकिन अभी आप इस टेंशन में ना आए बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आप इस बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये माइंड में रखें कि आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इनके कॉमन और अनकॉमन फाइंड नहीं करने हैं। ऑल राइट, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 150। सो दिस इज द टूडेज क्लास। टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनको बताएंगे कि आपने आज डिविजन मैथड के बारे में पढ़ा है, एच सी एफ और एल सी एम दोनों का, ओके, और आपने इसको समझा भी है। अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपने इस चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप वीडियो पॉज कर करके देखते रहें और डिफरेंट नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते रहें। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।